फरवरी को मुंबई में बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो जब से मिली है तब से इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, साथ ही नए नए नाम और नए नए शक पैदा हो रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर से 200 मीटर की दूरी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है, उसका और उसके मालिक का पता तो चल गया, लेकिन उसके बाद से कार के मालिक की हत्या ने इस मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है और आज मनसुख हिरेन की मौत का मामला महाराष्ट्र की विधानसभा में भी गूंजा है और इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर लेकर देवेंद्र फडणवीस ने जो 10 बड़े खुलासे किए हैं वो क्या है, क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि सचिन वझे और गावड़े के करीबी संबंध है, इन दोनों के नाम इस केस को लेकर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। मनसुख हिरेन की हत्या में गावड़े का हाथ है, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही। उन्होंने कहा कि गावड़े के दफ्तर के पास मनसुख के फोन की लोकेशन मिलना अपने आप में एक संशय पैदा करता है और गावड़े ने ही तावड़े बनकर फोन किया था। दरअसल पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि किसी तावड़े नाम के शख्स ने मनसुख को फोन किया और उसके बाद वो घर से बाहर निकल गए थे। अब ये पता चल रहा है कि दरअसल वो तावड़े नहीं, वो गावड़े था और गावड़े ने तावड़े बनकर फोन किया था। गावड़े ने ही मनसुख को ऑटो से आने के लिए कहा था और सचिन वझे के खिलाफ भी कई सबूत हैं, इस बात को भी कहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एपीआई सचिन वझे के खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज हुई थी, सचिन वझे पर रंगदारी का आरोप भी उस दौरान लगा था 2017 में। इसके अलावा मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने भी सचिन वझे पर हत्या का आरोप लगाया है और उन्होंने सचिन वझे की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल इस पूरे मामले को पहले जो मुंबई पुलिस है वो आत्महत्या की नजर से देख रही थी, लेकिन लगातार मांग की जाती रही इस केस में, विमला हिरेन ने इस मामले में मांग की, जिसके बाद इसमें हत्या का केस दर्ज किया गया था और अब सीधे तौर पर यह मामला सियासी होता जा रहा है। बीजेपी सीधे तौर पर मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रही है और शिवसेना नेता धनंजय गावड़े पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मनसुख हिरेन केस में नाम आने के बाद अब धनंजय गावड़े ने सफाई दी है और उनका क्या कहना है वो आपको हम दिखाते हैं। माझ्या सर्वांना नम्र विनंती आहे की अशा पद्धतीचं डिफेम म्हणजे बदनामीकारक वृत्त तुम्ही करू नये। ज्यांनी आरोप केले त्यांना जर कागदपत्र हवी असेल तर मी ते पेपर्स देतो। मी त्या गुन्ह्यात माझा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही असा तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल माननीय सत्र न्यायालयात त्यांनी दाखल केलाय आणि त्यात चार्जशीट पण फाईल केली, त्या चार्जशीटमध्येही माझा कुठे उल्लेख नाही, त्यामुळे हे वडाचं साल पिंपळाला लावून। तो आपने सुना धनंजय गावड़े को सीधे तौर पर वो कह रहे हैं मेरा इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है, इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर इस मामले में धनंजय गावड़े की भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शामिल है इस पूरे मामले में धनंजय गावड़े। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या जो पूरा मामला है सियासी रंग लेता जा रहा है, क्योंकि मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने भी आरोप लगाया है और ये आरोप सचिन वझे पर लगाया है जो कि मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बाकी और मेहमान भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ अतुल लौंडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ में जुड़ गए हैं। अतुल जी आपका स्वागत है, और किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन पहला सवाल किशोर जी मेरा आपसे ही है कि धनंजय गावड़े की भूमिका पर सवाल उठाया है देवेंद्र फडणवीस ने और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये जो मामला है मनसुख हिरेन का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है धनंजय गावड़े का, और अब ये जो मामला है ये सियासी रंग लेता जा रहा है। आते हैं। जब से शिवसेना और बीजेपी में ठनी है कोई भी आत्महत्या कहीं हो जाए उसे मर्डर बोलकर डिक्लेयर करना ये आम बात हो गई है। आप मुझे बताइए, धनंजय जो धावड़े है वो भी कहते कि मैं कोई तावड़े नहीं हूँ और नहीं तो मेरा कोई संबंध है, और आप सब देख लीजिए। मुझे बताइए, एटीएस जब पूरी इंक्वायरी कर रही है और विस्फोटकों की गाड़ी की बहुत ज्यादा जानकारी वो अपडेट एनआईए से कर रही थी, तो 5 तारीख को एनआईए को सौंपा जाता है, 6 तारीख को नाथार की बात भी बाहर आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि एनआईए की इंक्वायरी और ये सब आरोप इस सरकार पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, और ये गलत है ना। और आप ये बात को समझ लीजिए अच्छी से कि अब एनआईए को दे दिया है तो ये 10 खुलासों की क्या जरूरत है।
तुमने तो एनटीएस से इंक्वायरी निकाल ली है और अभी हमें तो मालूम पड़ा है कि ये सब साजिश किसने रची थी, क्या रची थी, तो आगे तथ्य आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। जब एटीएस इंक्वायरी कर रही है और दुनिया में हमारे एटीएस को सबने माना है और एनआईए को लूप में रख के ही कर रही है, फिर भी एनआईए की इंक्वायरी थोप देना। देखो राज्य के विपक्ष के नेता, बीजेपी के बड़े नेता एनआईए की मांग करते हैं घटना के 10-15 मिनट के बाद, जब और बाद में उसको हत्या का आरोप बोल देते हैं। जो साफ ये हत्या तो सर मनसुख हिरेन जिनकी जिनकी मौत हुई है उनकी पत्नी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, उनकी पत्नी सीधे तौर पर कह रही है कि पति की हत्या की गई है। वहां जहां डेड बॉडी मिली है वो कह रहे हैं कि मेरे पति तो बहुत अच्छे तैराक थे, कैसे डूब के मर सकते हैं, ये उन्होंने मांग की है ना, तो इंक्वायरी होगी। अरे क्या बीजेपी ने स्पॉन्सरशिप लिए है, अब मुझे बताओ ना इंसाफ लोगों को जेल में डालने की क्या स्पॉन्सरशिप ले लिए। अब जो भी देखो पुलिस किसी को छोड़ती नहीं, बख्शती नहीं। अगर यह कोई इसमें कुछ लफड़े वाली बात होगी तो रोहित ये सब बाहर आ जाएगी। अभी वो एटीएस कुछ पुख्ता सबूत जमा करी थी और एटीएस कहीं कंक्लूजन पे आ रही थी, इन बिटवीन एनआईए आया, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार बड़े झमेले में आने वाली है और केंद्र सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए सब कर रही है। और देवेंद्र जी ने बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शिवसेना नेता जो धनंजय दावड़े है वो भी तो राजनीति में है, उनकी भी छवि है, और सचिन वजह तो एक पुलिस अफसर है। आप पुलिस अफसर को भी कटघरे में खड़े रख रहे, आप सबका मॉरल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, मैं चर्चा को भी आगे आपसे आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि सचिन वजह पर भी जो आरोप है वो मनसुख हिरेन की पत्नी ने ही लगाया है, सचिन वजह पर भी आरोप की उनकी भूमिका है इस मामले में, इस पर मैं चर्चा करूंगा। पूरे पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया, मैं सबसे पहले सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। श्वेता शालिनी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी डिबेट को ज्वाइन कर लिया है। अतुल जी और किशोर जी हमारे साथ ऑलरेडी हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एलन राव साहब पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं श्वेता जी के पास चल रहा हूं। श्वेता जी, मैंने इसी मुद्दे को लेकर सवाल किया था जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने आज उठाया था, जिसमें शिवसेना नेता धनंजय तावड़े का नाम लिया था, लेकिन यहां पर किशोर तिवारी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की आदत बन गई है आत्महत्या के केसेस को लेकर राजनीति करने की और मामले को सियासी रंग देने की, सवाल उठाने की। नहीं रोहित जी, आपने शायद गलत समझ लिया। एक मैंने सुना कि किशोर जी क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि स्पॉन्सरशिप तो नहीं लिया है, ये जगह उनकी है, अधिकतर स्पॉन्सरशिप वो लोग लेते हैं, चाहे वो किसी को मौत के घाट उतारने की हो या किसी को बचाने की। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप लिया है या नहीं लिया है इसका तो आप एनआईए पे फैसला छोड़ दीजिए किशोर जी। दूसरी चीज आप ये बताइए रोहित जी, आप बताइए कि कौन व्यक्ति मास्क पहनकर और उसके पीछे 5 रुमाल मुंह पर डालकर कूदता है सुसाइड करने के लिए। दूसरी तीसरी चीज, आप मनसुख जी की पत्नी ने साफ साफ कहा है कि लास्ट कॉल ट्रेस कीजिए, वो कहां था, वो विरार पे था, और विरार पे कौन है, तो धनंजय गावड़े जी हैं। किसका टेलीफोन आया था, तो क्राइम ब्रांच से कांदिवली के किसी तावड़े का कॉल आया था, इसके बाद वो गए। वो दिन प्रतिदिन आपको बताती हैं, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको देखिए जरा। किशोर जी बिना पढ़े आ जाते हैं और आके कुछ भी यहाँ कहते हैं, अब वो कुछ भी कहेंगे तो क्या देश की जनता मान लेगी? आज हम केवल मात्र इतना पूछ रहे हैं कि हर सुसाइड के पीछे वो क्यों, हर हत्या के पीछे वो सुसाइड क्यों बना देते हैं, क्यों बिना ऑटोप्सी किए शरीर को देखते ही उन्होंने घोषित कर दिया कि यह आत्महत्या है? ऐसा कौन इंटेलिजेंट ऑफिसर है जो देखता है बॉडी को और समझ जाता है थाने क्रिक में मिलते हुए? वो तो उस दिन लो टाइड था इसलिए बॉडी पीछे आ गई, अगर हाई टाइड होती तो ऑब्वियसली बॉडी कहीं नहीं जाती, यही सोचकर उन्होंने बॉडी वहां पे फेंकी थी। बिल्कुल, इसको मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास लेकर चलूंगा, एनसीपी के प्रवक्ता हैं और सरकार में साथी भी हैं। ब्रजमोहन जी, जो परिस्थितियां बता रही हैं कहीं ना कहीं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं जो विमला हिरेन ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है, तो इस मामले में अगर जांच होती है और विपक्ष इसके लिए सवाल उठाता है तो फिर सत्ता पक्ष को दिक्कत क्या होती है, सवाल क्यों उठाते हैं?
ये सही बात है कि मुंह में अगर रुमाल ठूस के तो कोई आत्महत्या करने के लिए कूदेगा नहीं, अगर आत्महत्या की नियत से कोई वहां पर जा रहा है तो अपने मुंह में रुमाल क्यों ठूसेगा। दूसरी बात, जो विमला हिरेन जी है वो ये कहती है कि मेरे पति सुमर थे, और ये एक बेसिक चीज है कि कोई सुमर अगर कूदने के लिए, मुझे लगता है कि शायद पानी का इस्तेमाल वहां पर नहीं करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो फाउल प्ले हुआ है। देखिए ये फाउल प्ले तो मुझे लगता है लोगों के दिमाग में पैदा किया जा रहा है, सच्चाई शायद आने वाले दिनों में जब जांच होगी उसके बाद पता लगेगी। ठीक है सर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से और खबर